इलासेट इलासेट हम वोट देखो जीडीएस को देंगे देना चाहते हैं हम चंदू पाटिल को सब एचडीपी को देना चाहिए इलियास भगवान साहब को इलियास भगवान नया कैंडिडेट होना कौन सा तो भी नौजवान जो हमारे कौम को संभाल सके बस और क्या भी नहीं मेरे हिसाब से जो ना जनता दल को देना चाहिए जनता दल को चलो जिसकी किस्मत रहेंगे वो जीतेगा कांग्रेस को चाहते हम टिकट जो है ना इलियास सेट को मिलना हम देंगे भाई नासिर उस्ताद हुसैन को नासिर उस्ताद क्योंकि वो बहुत अच्छे लीडर है जेडीएस पार्टी के कनिष फातिमा को देंगे बिल्कुल इलियास भगवान को इलियास भगवान कनिष फातिमा तो अब तक कुछ भी हमारा मसला सॉल्व नहीं करे सर मैं नासिर उस्ताद को देता हूँ सर यार गुलबर्ग का मरा दो कांग्रेस मैडम कुछ भी काम नहीं करे बोल के बदल दीजिए आवाम कमजोर आदमी सुना ना गुलबर्ग को This video present by Mannur Multi Speciality Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hills Circle Ring Road Gulbarga आप किसको वोट देना चाहेंगे देखेंगे देखेंगे बोलेंगे वक्त हालात क्या है देखेंगे देखो बीजेपी को देखे क्या भी फायदा नहीं हो गया पेपर अभी नहीं है इस बार कांग्रेस को देंगे साहब देना चाहते हैं हम चंदू पाटिल को साहब चंदू पाटिल फिक्स चंदू पाटिल इलेक्शन में इलेक्शन में किसको देना चाह रहे हैं बात बीजेपी बीजेपी को देना चाहेंगे इस बार इलेक्शन अरे हमारा इलेक्शन में क्या जनता दल आना जनता दल आना हाँ कौन से मिनों को करंट सर्वेंट है हाँ सर ओबीएस करे तो ओल्ड पेंशन स्कीम वो करे तो उसको वोट डालते हैं मैं नासिर उस्ताद को देता हूँ सर नासिर उस्ताद को क्यों दीजिए भैया गुलबर्ग का मरा दे उसको दे दूंगा वोट मैडम को नहीं देते भैया खड़गे साहब सही बोले तो क्या है नासिर उस्ताद को देना टिकट इसको भी नहीं देना हाँ बीजेपी इलेक्शन में किसको वोट देना चाहिए एचडीपी को देना चाहिए इलेक्शन में किसको वोट देना चाह रहे हैं आप इलियास भगवान साहब को इलियास भगवान साहब इलियास भगवान साहब को क्यों देना चाह रहे हैं क्योंकि वो एक आदमी है बाहर निकलेंगे सबकी ये करेंगे और जो मैडम कनिष फातिमा जी है वो घर में बैठते हैं इस बार एमएलए इलेक्शन में किसको वोट देना चाहिए सर बीजेपी बीजेपी कोई भी ठहरो कांग्रेस पार्टी के हम नया कैंडिडेट होना कौन सा तो भी नौजवान हाँ। जो हमारे कौम को संभाल सके बस और क्या भी नहीं तो कनिष फातिमा को देता हूँ कनिष फातिमा मैडम हाँ। मेरे हिसाब से जो ना जनता दल को देना चाहिए जनता दल को क्या हर किसी का फुटपाथ वालों का कुछ मसला रहा तो जनता दल हल करता है चलो जिसकी किस्मत रहेंगे वो जीतेगा फातिमा मैडम कनिष फातिमा मैडम ये तो हम कांग्रेस के आदमी हैं सब हाँ। और हमारे को मैडम ही पसंद है देना चाह रहे ना नहीं तो इसको इलिया सेट को देना इलिया सेट को दे रहे हैं किसको वोट देंगे आप वोट किसको देंगे हम वोट देखो जीडीएस को देंगे नासिर उस्ताद को ही क्यों वोट देंगे वो काबिलियत इंसान है और वही एक लीडर है जो गुलबर्गे में जो हर मजहब को लेकर चलने वाला है और आने वाले असेंबली तक उनको पहुंचाने की हमारी ख्वाहिश है कांग्रेस को वोट देते कांग्रेस को कांग्रेस को चाहते हम टिकट जो है ना इलियास सेठ को मिलना इलियास सेठ को क्योंकि उन्होंने समझदार हैं पावरफुल आदमी हैं इंटेलिजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज क्या है मालूम है आजकल पावरफुल आदमी उन्होंने क्या है इससे पहले 5 साल में क्या भी नहीं करे एमएलए इलेक्शन में किसको वोट देंगे आप हम देंगे भाई नासिर उस्ताद हुसैन को नासिर उस्ताद क्योंकि वो बहुत अच्छे लीडर है जेडीएस पार्टी के हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम भी बहुत अच्छा है इंशाल्लाह ताला हम नासिर उस्ताद को वोट देंगे अपना इलेक्शन में किसको वोट देंगे इलियास सेठ को इलेक्शन में किसको वोट देंगे कांग्रेस को देंगे कांग्रेस से इस बार कनिष फातिमा मैडम और इलियास सेठ दोनों टिकट के दावेदार हैं कनिष फातिमा को देंगे बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बेहतर नासिर हुसैन उस्ताद साहब क्योंकि बेबाक जो अपनी बात रख सकता वो है नासिर हुसैन उस्ताद साहब इलियास भगवान को इलियास भगवान साहब को क्यों वोट देना चाहते हैं क्योंकि मर्द आदमी हैं कुछ भी काम करना है तो काम कर सकते हैं वक्त आया तो ठहर भी सकते हैं बुरे काम कुछ भी हुआ तो करे तो भी लेडीज़ तो आ नहीं सकती ना बाजार को इसलिए उनके हाथ से नहीं होता उनको रिजन देना चाहिए उनको कनिष फातिमा तो अब तक कुछ भी हमारा मसला सॉल्व नहीं करे साहब क्या एक बार हमारे सामने नासिर उस्ताद साहब हमारा मसला सॉल्व करे क्या मेरे ख्याल से वो हमारे लिए ठीक है मैं ऐसा समझता हूँ कांग्रेस मैडम को क्यों अच्छा काम करते हो ना आपके जो है ना बदल गया है हाँ मैडम कुछ भी काम नहीं करे बोल के बदल गई आवाम उसके बजाय जो है ना जनता दल को यहीं जहाँ तक आप इस बार इलेक्शन में किसको वोट देंगे कांग्रेस को देते हम इस बार एमएलए इलेक्शन में किसको वोट देंगे आप इंशाल्लाह अपने नासिर उस्ताद नासिर उस्ताद को क्यों देंगे
क्योंकि दिए ना मैडम को उतना वक्त दिए, आप दूसरे लीडर को ला के देखेंगे। वोट देना चाहते हैं गुलबर्गा एमएलए इलेक्शन में? कांग्रेस। कांग्रेस से मैडम और इलियास सेठ दो दावेदार हैं। इलियास सेठ को देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये हमारी जो बड़े लोग हैं वो आपस में लड़ने की वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी यही गुजारिश है, कोई भी है ये आपस में लड़ने का जो ये है, हमारे जो आलिमा हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो एकजुट होके काम करे तो इंशाल्लाह कांग्रेस आएंगी, वरना बीजेपी की तो 100% गारंटी है बीजेपी आई। कमज़ोर आदमी सुना ना गुलबर्गे को? गुलबर्गे को कमज़ोर आदमी होना? हाँ, अच्छा आदमी कहाँ चलता? अच्छा काम भी अच्छे होते हैं, कमज़ोर आदमी रहा है नहीं? सही। मैडम को देना और क्या था? हम कांग्रेस देंगे। कांग्रेस में मैडम और इलिया शेठ दोनों दावेदार हैं। हाँ, टिकट से। हाँ, तो आप किसको टिकट मिलने का? अब फिल वक्त मैडम तो काम के नहीं किए, तो इलाज भगवान को देना पड़ता। इलाज भगवान शेठ को? इलाज शेठ को देना तो अच्छा है। इलिया शेठ को क्यों देना चाहिए? वो आप मैडम काम ही नहीं करे बोल के सुन रहे हम, पूरा गुलबर्गे वाले पब्लिक ऐसी बोल रहा है, अब इस बार वो से इलिया शेठ को देना सोच रहे। देखिए बार जो है ना नातिरुस्ताद को देना बेहतर रहेगा। इस बार वोट किसको देंगे? इस बार वोट इंशाल्लाह कांग्रेस को देंगे। मैं सादत हुसैन उस्ताद के लड़के नासिर हुसैन उस्ताद ने कुछ तो भी कर सकते हैं खमर इस्लाम के साइड में, लेकिन ये वो कांग्रेस वो कुछ नहीं करी हमारी ना बीजेपी करी। हम नासिर हुसैन उस्ताद भारा भारा। हाँ, इस बार किसको वोट देना चाहेंगे एमएलए इलेक्शन में? एमएलए इलेक्शन में तो हम नासिर उस्ताद को देंगे सर। नासिर उस्ताद को? हाँ, किस वजह से देना चाहेंगे? नहीं अब तो कांग्रेस में तो दे के देखे, अब उसमें कुछ भी कामा नहीं हो रहे। हाँ, इस वजह से जो ना हम चाह रहे हैं कि भाई नासिर उस्ताद को देना चाह रहे हैं।